गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज मुरादाबाद के राष्ट्रीय सेवा योजना की दोनों इकाइयों की ओर से चल रहे 7 दिवसीय विशेष शिविर के 5वें दिन नशा उन्मूलन एवं स्वास्थ्य के रूप में मनाया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ प्रतिदिन की भांति NSS का लक्ष्य गीत प्रार्थना एवं योगा अभ्यास द्वारा हुआ। इसके बाद शैली के द्वारा 4 मार्च को हुए कार्यक्रम की आख्या पड़ी गई। तत्पश्चात कार्यक्रम के प्रथम सत्र में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा के निर्देशन में एक स्वास्थ्य कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें महेश नेत्रालय के नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल, विनायक हॉस्पिटल के त्वचा रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सचिन अग्रवाल एवं मनोचिकित्सक डॉक्टर हिमांशु गुप्ता के द्वारा बस्ती के लोगों एवं स्वयं सेविकाओं को स्वास्थ्य संबंधित चिकित्सीय परामर्श दिया गया। साथ ही लोगों की आंख, त्वचा, नसों और दिमाग संबंधी विभिन्न बीमारियों का इलाज किया गया। स्वास्थ्य कैंप में इन लोगों को फ्री दवाई का भी वितरण किया गया। कैंप में महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर चारू मेहरोत्रा एवं महेश नेत्रालय द्वारा जरूरतमंद 25 लोगों को चश्मों का भी वितरण किया गया। साथ ही प्राचार्य द्वारा बस्ती की महिलाओं को सैनिटरी नैपकिन का भी वितरण किया गया और लोगों एवं स्वयं सेविकाओं को मास्क का वितरण करके प्राचार्य ने सब में हर्षोल्लास बढ़ा दिया। तत्पश्चात महेश नेत्रालय के डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि जरूरतमंद लोगों का आंखों की सर्जरी उनके अस्पताल में बहुत कम धनराशि में की जाएगी। उनके द्वारा कैंप में ऐसे कई लोगों का चुनाव भी किया गया जिनकी नेत्र सर्जरी होनी है। कार्यक्रम में महाविद्यालय मुखिया अनुशासिका डॉक्टर गीता परिहार, डॉक्टर कविता भटनागर, डॉक्टर किरण साहू, डॉक्टर अंशु सरीन, डॉक्टर अनुराधा, डॉक्टर सीमा गुप्ता, डॉक्टर वंदना पांडे, डॉक्टर प्रेमलता कश्यप, डॉक्टर सीमा मलिक, डॉक्टर सविता अग्रवाल आदि प्रवक्ताएं मौजूद रहीं। कार्यक्रम में शैली, श्रद्धा दुबे, ईशा शर्मा, शिवी शर्मा, संध्या साक्षी, आयुषी आदि स्वयं सेविकाओं ने बढ़ चढ़कर प्रतिभाग किया। दीदी, क्या प्रोग्राम आवाज क्यों आपके संबंध हो रहा है? ये गोकुलदास हिंदू गर्ल्स कॉलेज का NSS कैंप चल रहा है जो 7 दिवसीय है और हर दिन हमारा प्रयास है कि हम कोई ना कोई ऐसा कार्यक्रम करवाएं जिससे यहाँ की मलिन बस्ती के लोग जो हैं और जो कामकाजी महिलाएं हैं उनको कुछ सहूलियत या कुछ मदद मिल सके। तो आज जो है इस कार्यक्रम के अंतर्गत जो है एक मेडिकल कैंप का आयोजन किया गया जिसमें शहर के सुप्रसिद्ध नेत्र चिकित्सक डॉक्टर अभिषेक अग्रवाल जी, साइकेट्रिस्ट डॉक्टर सचिन अग्रवाल जी और स्किन केयर के डॉक्टर हिमांशु गुप्ता जी, ये सभी जाने पहचाने नाम हैं। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद भी देती हूँ कि वो इस कार्यक्रम के लिए उन्होंने अपना अमूल्य समय यहाँ निकाला और यहाँ की बस्ती के लोगों को इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आज इतनी बड़ी बड़ी शख्सियतें आज उनके दरवाजे पर स्वयं चलकर आई और उन्होंने यहाँ पर मरीजों को देखा और देखने के साथ दवाइयाँ भी दी और उसके साथ साथ चश्मा और दूसरी चीज़ें मास्क वगैरह का भी वितरण यहाँ पर किया गया। और आप देख ही रहे हैं चारों तरफ जो भीड़ है वो इस बात को बता रही है कि लोग इस प्रकार के कैंप से कितने लाभान्वित हो रहे हैं और इसके लिए हमारी जो कैंप की सहयोगिताएँ हैं डॉक्टर रेणु शर्मा और डॉक्टर शिफाली दोनों ही बहुत प्रयास कर रही हैं और बच्चों का भी बहुत सहयोग है कि वो ढूंढ ढूंढ कर पूरे में प्रचार करके लोगों को यहाँ पर लेकर आए हैं और उनके प्रचार और उनको जाकर जो उन्होंने लोगों को जागरूकता प्रदान की जिसकी वजह से लोग यहाँ पर आ रहे हैं और अपना स्वास्थ्य परीक्षण करवा रहे हैं और ज़रूरत के अनुसार उनको दवाइयाँ और चश्मे और बाकी सुविधाएँ दी जा रही हैं। सचिन अग्रवाल है, मैं पिछले 11 साल से मुरादाबाद शहर में गांधी नगर में अपने क्लिनिक में कार्यरत हूँ, स्किन की सेवाएं प्रदान कर रहा हूँ। आज यहाँ आकर बड़ी सुखद अनुभूति प्राप्त हुई, कई गरीब मरीज जरूरतमंद लोगों को देखे अच्छा लगा, उनसे वार्तालाप हुआ, उनको जागरूक किया गया स्किन से संबंधित, बालों से संबंधित और जीवन शैली से संबंधित चीज़ों के लिए। उम्मीद करता हूँ वो लोग इसका लाभ लेंगे और आगे भविष्य में अगर हमसे दोबारा कहा जाएगा तो हम दोबारा अपनी सेवा देंगे। अच्छा, कितने मरीजों को आपने अब तक देखा? उनकी कमी नहीं है लेकिन आज की तारीख में जितनी देर बैठे 40 से 50 मरीज हैं। क्या क्या पाया? अमूमन ज़्यादातर दिक्कतों में चेहरे के निशान, कील मुहासे, बालों का झड़ना और कुछ इस तरह की खुशी जिसका कोई प्रकार कहना मुश्किल है, लेकिन कई लंबे समय से चली आ रही है। अमूमन तो यही ज़्यादा मरीज है।